शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। हर शनिवार की तरह हम फिर हाजिर हैं सवाल जवाब का सिलसिला लेकर हमारे 49वें एपिसोड के साथ। कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर किडनी से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। हाजिर है एक बार फिर आपके सभी सवालों के जवाब लेकर एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमेशा की तरह पिछले हफ्ते भी हमें आप लोगों के बहुत से सवाल मिले, उनमें से कुछ सवाल बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग भी थे। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों में से कुछ सवालों के जवाब देंगे। आपको बता दें, आप चाहे तो अपना नंबर भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स खुद आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि कोरोना वायरस अभी भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कर्मा आयुर्वेदा आपसे अनुरोध करता है, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, घर से कम निकलें। किडनी रोगियों को इस गंभीर माहौल में और भी सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभागों का मानना है कि जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज या किडनी की बीमारी, उन्हें इस वायरस का खतरा कहीं ज्यादा है। इस भीषण वायरस को हराना है तो कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। इससे पहले हम आज के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल किया है उमेश गुप्ता जी ने। इनका सवाल है, क्या किडनी रोगी लेमन यानी नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले तो सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। दरअसल नींबू में काफ़ी मात्रा में सिट्रिक एसिड और पोटाशियम मौजूद होते हैं, जो किडनी रोगी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, बल्कि ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए किडनी रोगी को नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, पथरी की समस्या में ज़रूर नींबू फायदेमंद माना जाता है। किडनी की बीमारी CKD में आपको इससे सख्त परहेज करना चाहिए। अब दूसरा सवाल, क्या किडनी रोगी नाश्ते में ओट्स खा सकते हैं? ये सवाल हमसे आलोक एका जी ने किया है। आलोक जी, किडनी की बीमारी में ओट्स खाना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व आपकी किडनी पर दबाव बना सकते हैं। नाश्ते की बात करें तो आप नाश्ते में गेहूं का दलिया, गेहूं की सेवई जरूर खा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और एक्सपर्ट से सीधा इस पर राय लें। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो है, अगर दोनों ही किडनीज में परेशानी हो तो क्या बचना मुश्किल है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है? ये सवाल हमसे एक अननोन यूजर ने किया है। जी बिल्कुल, इसे बेहतर किया जा सकता है, सही समय पर इसे रोक लिया जाए तो बेहतर है। जैसा आपको हम बता रहे हैं, दोनों ही किडनी में दिक्कत हो तो आपको जल्द से जल्द एक सही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको बता दें, एलोपैथी में किडनी बीमारी के लिए कोई भी सटीक इलाज नहीं है, इसलिए आपको आयुर्वेद की ओर रुख करना चाहिए। आयुर्वेद में किडनी के हर रोग का निदान है। आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और डाइट एक्सपर्ट से इस पर सीधी राय लें। हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। अगला सवाल किया है निरुपमा टंडन जी ने। सवाल है कि लूपस नेफ्राइटिस के बारे में कुछ शेयर करें। निरुपमा जी, लूपस नेफ्राइटिस का मतलब है किडनी में इन्फ्लेशन होना, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इस डिजीज में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। जब ये लूपस किडनीज पर असर करने लगता है तो इसे लूपस नेफ्राइटिस कहा जाता है। लूपस को सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमाइटिस भी कहा जाता है। यदि आप एक्सपर्ट से इस पर कोई भी राय लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आज का आखिरी और बहुत अहम सवाल है, मेरा पिछले 6 महीने से डायलिसिस चल रहा है, ऐसे में क्या मैं बेसन की सब्जी खा सकता हूँ? ये सवाल हमसे किया है रेमचंद जी ने। सवाल करने के लिए धन्यवाद रेमचंद जी। नहीं, आपको बेसन की सब्जी का सेवन नहीं करना है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मौजूद होता है। अगर आप डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी रिपोर्ट्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करें और उनसे उनकी राय लें। तो ये थे आज के ज़रूरी सवाल जो आप लोगों ने पिछले हफ्ते हमसे कमेंट बॉक्स में किए थे। आशा है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह हमें अपने सवाल लिखकर भेजते रहें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए सवालों के साथ। आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाइए, योग करिए, एक अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए। आइए मिले कर्मा आयुर्वेदा के एक ऐसे ही रोगी से जिन्होंने इस बीमारी को मात देकर शुरुआत की एक स्वस्थ जीवन की। जी, क्या नाम है सर पेशेंट का? सर मोनिका। कहाँ से आते हैं? सर मैं बनवर से आया हूँ, बागपत डिस्ट्रिक्ट। जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? सर दिक्कत तो उसको
कोई खास तो था नहीं, लेकिन अभी शुरुआत ही है। लेकिन ये क्रेडिट कितना मिल रहा है पहले सर, इसमें रिपोर्ट में है सर पहले ज़्यादा था, अब कम हुआ है, अब 5 हुआ है, पहले 7 था। हीमोग्लोबिन कितना था पहले? हीमोग्लोबिन सर 6.0 था, अभी कितना है? अब 8 हो गया है। जी कहाँ से कराए टेस्ट आपने? सर मैं वहाँ इसमें करा रहा हूँ, एम्स में करा रहा हूँ। एम्स में वहीं से टेस्ट वहीं से कराएं? जी वहीं से कराता हूँ, एम्स में। जी सर, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, ये इन्होंने कराई थी 22 नवंबर 2017 की रिपोर्ट है। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट दिस रिपोर्ट वाज डन एंड इन दिस रिपोर्ट द क्रिएटिनिन लेवल वाज अबाउट 6.7 एंड यूरिया वाज 281। दिस रिपोर्ट वाज कंडक्टेड एट ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 months अगेन अ रिपोर्ट वाज कंडक्टेड एंड इन दिस रिपोर्ट दिस वाज कंडक्टेड ऑन 17th ऑफ जनवरी 2018 अगेन फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली and in this report the creatinine has come down to 5.8. earlier the creatinine level was on an upward trend, it was increasing month on month. Now the creatinine level has come down, not only the creatinine level, even the urea level which was in the range of about 230-240 now has come down to 187. So this is the kind of improvement that is being seen from the patient right from the beginning. तो देखिए आपने आयुर्वेदिक उपचार की क्षमता। अगर आप या आपका कोई परिजन किडनी की समस्या से परेशान है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा आज विश्व का जाना माना आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जहां सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों से किडनी रोगियों ने आकर अपने नए जीवन की शुरुआत की है। डॉक्टर पुनीत धवन के आयुर्वेदिक ज्ञान ने किडनी की हर समस्या को समाप्त किया है। आज ही कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी से जुड़ा आयुर्वेदिक उपचार। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, आपके सभी कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसे ही जरूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। अब हमें दीजिए इजाजत, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205001142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।